साइलेंट कर देना, मुझे वक्त दे दीजिए 5 सेकंड का। फ्लाइट पे फ्लाइट पे साइलेंट, फ्लाइट से हटा रहा हूं, साइलेंट कर दूंगा। ऐसा मैं थोड़ा ऐसा बहुत प्रिटेंड कर दूंगा, बहुत बिजी हूं। हां जी बिल्कुल सर, मेरे बटन सीखने चाहिए बस। बस आप टिप्पणी नहीं चाहिए, वो देख रहा, मैं टिप्पणी दे भी नहीं सकता। हाँ जी आप करें स्टार्ट। तुम बीच में एक फोटो पोस्ट की थी, एक सबसे पहले तो बताओ वाज इट गुड और बैड। अगर मैं बात करूं, अब आप बातें कर सकते हो, तो इनसे बात नहीं 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 अगर मैं बात करूं, बहुत ही ऑसम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, ढेर सारे आप लोगों के ऐसे नो जोक है, फनी मोमेंट है, सब सारी बातें, तो कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस शूट का KOW2? वो इसीलिए क्योंकि बीच में 7 महीने लॉकडाउन था। बहुत लंबा, मैं थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे चलता रहता है मेरा मूड का ना, तो वो इस बार इस चीज़ पे बहुत लंबा था, पर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। आई थिंक हमने सीज़न 1 से ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि सीज़न 2 में क्या था, सीज़न 1 में सारे नए नए एक्टर्स थे, नए नए मतलब मेरा तो फर्स्ट शो था, पर मैं पहली बार इनसे मिल रही हूँ, तो टांग खिंचाई नहीं हो सकती, मम्मी पापा फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, तो अभी वो फ्रेंडशिप बिल्ड नहीं हुई थी सीज़न 1 में। सीज़न 2 तक तो ऐसे हो गया था कि अरे अपने अपने बंदे, पुराने बंदे, मज़ेदार, आराम से मज़े करते करते शो करेंगे, सो सीज़न 2 वॉज फन। या ऐसी बात कहेंगे कि वो जो चुप हो जाए। सीजन 1 में जैसे उन्होंने कहा मज़ा आया था, लेकिन जब डिसीजन लिया गया सीज़न 2 बनेगा, तो जैसे आशिमा ने कहा एक बॉन्डिंग हो चुकी थी, फिर दो किरदार इंट्रोड्यूस हो रहे थे, एक अमन का और एक नाहिद का, उनसे आपकी बात हुई होगी, सो नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे थे और कहानी पहले जैसे एक सॉर्ट ऑफ अ ट्राइंगल, देविका रिवर्स ऑफ देवदास, एक यंग लड़की है वो ऑलमोस्ट लाइक अ देवदास कैरेक्टर, फिर एक उसकी लाइफ में चंद्रमुखी है, एक पारो है, और मैं शायद चंद्रमुखी था। हाँ जी। लेकिन 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 सीजन 2 में ये बदल गया, कुछ उसका सीजन 1 का बैगेज आया, लेकिन कहानी और किरदारों को लेकर बड़ी, हर एक की बारीकियाँ, हर एक का कॉन्फ्लिक्ट, और देव डबल डी की जो आवाज़ है वो ये है, एंड आवाज़ जुबान शोर शोर भी, हाँ है ना, देखिए अच्छा है वो, अगर आप बोलेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं वैसे तो कैसे कैसे बनेगा, लेकिन सफ़र और सफ़र दोनों बेहतरीन। देखिए मैं तो फर्स्ट और सेकंड सीजन के बीच में कंपैरिजन ऑफ शूटिंग तो आपको दे नहीं सकता, बट आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम ऑब्वियसली। आप समझ ही गए होंगे, इस नोक झोंक में, तकरार में, इनकी थोड़ी मजे लेने में, इनको हमें पीटने में, हम सबको साथ बैठने में, बातें करने में, आई थिंक द वे आई लुक इट योर इज यार, अगर आप काम पे जा रहे तो बहुत जरूरी है आप मजे करें सबके साथ में, क्योंकि उस वक्त के लिए जब आप काम पे होते हैं वो आपका परिवार होता है, आप इतना वक्त साथ बिताते हैं, सो आई लव टू मेक फ्रेंड्स ऑन सेट, इट बिकम्स क्लोज नेट फैमिली, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया यार, एवरीबडी वाज सच अ नाइस सोल, एवरीबडी वाज सच अ नाइस पर्सन, सो आई इंडिविजुअली इट वाज अ वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस टू बी ऑन सेट एंड वर्किंग विद दिस बंच ऑफ टैलेंटेड पीपल। इसको कॉम्प्लीमेंट ही समझिए, हां जी बिल्कुल, मुझे इनके साथ काम करके बचपन याद आ गया। तो बचपन याद आ गया, वो खेल कूद, वो हंसी मजाक, रोना तो उसी वक्त रोना, गुस्सा तो उसी वक्त गुस्सा, लेकिन अगले दिन उसका कुछ पता नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्पिरिचुअल बात है, क्योंकि बच्चों की तरह हो जाओ, और ये और बाकी बच्चे जो हैं सीरीज में वो बिल्कुल वैसे ही बच्चों की तरह, अभी चाहिए बस, अभी चाहिए, अभी कोल्ड कॉफी चाहिए तो अभी चाहिए, हमने किसी तो ने कोल्ड कॉफी का नाम तक नहीं लिया, इनको स्मूदी चाहिए, देखा है बचपना,
ये तो मांगा ही नहीं हमने, ये खिलौना तो मांगा ही नहीं, हाँ ये तो दूसरी बात हुई थी, ये कैसे कर दिया उन्होंने, ठीक है तो ये, लेकिन उसमें एक मासूमियत, वो रिफ्रेश हो गए, मिलना जुलना सेट पे अक्सर, जैसे आप फ्लाइट्स में अक्सर कम लोग बात करते हैं, और जितना ही मुकाम बढ़ता जाता है उनका उतनी कम बात करते हैं, बिजनेस क्लास में तो कोई बात ही नहीं करता, बिल्कुल ऐसे अखबार आगे देख लिया, सो जो बेचारा एरोस सर्व कर रही है उसको भी नहीं देखा, और चंद मेन्यू ओके सो यहाँ पे वैसा नहीं, तो यहाँ पे खाना पीना इकट्ठे, गुड मॉर्निंग गुड नाइट कल कितने बजे आ रहे हो, अमन उस चीज के उनका मैं अच्छा बच्चा है ये, कॉम्प्लीमेंट इनको देता हूँ क्योंकि ये हर सुबह आके जैसे मजाक के तौर पे नहीं जैसे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, हर किसी की वैन में जाके सलामी सट, नहीं मैं आ गया हूँ कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, नहीं बट नाहिद कहती है ये एक्चुअली आता था कि चेक करने के लिए कि कौन क्या खाना लाया दिन को, मैं लंच ऑर्डर करूँ कि नहीं, लेकिन ये इनकी बहुत अच्छा है, जो आइस ब्रेकिंग होता है ना मोमेंट, एक बंदा अच्छा है यार आता है डिस्कस करता है, अपनी वैन में बैठेगा नहीं हमारी वैन में एक दूसरे के, तो बहुत मिलनसार जैसा माहौल बनाता है, वो एटीट्यूड बहुत अच्छा अच्छा है और होना भी चाहिए, ट्रू वो अमन जी मैं बांधे इसके बारे में जरूर करूंगा, लेकिन आपसे पहले जानना चाहूंगा कि जब ऐसे आपके सामने लाइव कमेंट आपको मिलता है इनके साथ में काम बच्चा बन गया एकदम बचपन वो तो सीजन 2 में जाके हुई है ना ताजा, सीजन 1 में मुझे पता है ना मैं इतनी नर्वस थी, जब मैं स्टार्ट किया था सीजन 1 में इनके साथ, सो बेसिकली अब 6th एपिसोड में एंट्री देते हैं ना, तो फर्स्ट हाफ तो मैंने बड़े आराम से डन कर दिया, अब आ रहे हैं इनकी एंट्री हो रही है शो में, अब मैं नर्वस हो रही हूँ मैं कैसे काम करूंगी इनके सामने, ये तो फटफट अपनी लाइनें बोल देंगे कॉन्फिडेंट के साथ एक टेक के साथ, और मैं 10 से 15 टेक देती जाऊंगी, तो मैं बहुत नर्वस थी, बहुत हद से ज्यादा, इसलिए मेरे ऑफिस सीक्वेंस में डायलॉग्स निकले आपको देखिए, क्योंकि नर्वसनेस महसूस नहीं हुई, सीजन 1 केन घोष ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने उनको एक लंबी लंबी लाइनें बीच में कोई पॉज नहीं, क्योंकि उनका वो गुस्सा था उस सीन में, जो भी सीन्स शुरुआत में हमने, मैं हैरान था इसको रट्टा कितनी आसानी से कर लेती है, और ऐसे सीन्स में रट्टा करना पड़ता है फिर उसमें फीलिंग तो ये ले ही आएगी, लेकिन वो लाइनें याद करना एक एक पेज और टा 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 बोलना झाड़ना वाड़ना वट एवर, उसमें एक अलग किस्म का हुनर चाहिए, आपको पॉज लेने का मौका नहीं है और कोई बीच में कट नहीं लगने वाला, सो आई वॉज वेरी इंप्रेस्ड ऑनेस्टली, तब भी कहा था फिर से कह रहा हूँ, और उसके बीच में बचपन तो खैर था ही बचपना या बचपन बट वो है भी, वो फ्रेशनेस भी है, नहीं वो ऑप्शन ही नहीं है ना कोई, मैट्रिक ऐसे ही पास किया था मुझे मैट्रिकुलेशन नहीं ऑप्शन नहीं है, और आपको करना कर लेती है नहीं वो पता है मैं क्या सोच के करती हूँ, जब ये रिलीज होगा और लोग देखेंगे तो मजा आएगा, तो कर लो चुपचाप, और पैसे मिल रहे हैं, ये इनको नहीं, पता जब रीडिंग हो रही थी कभी कभी ये नहीं थी, तो डायरेक्टर ये मतलब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हर्ष जो डायरेक्टर उन्होंने भी कहा ये देविका की लाइंस है ये तो कर लेगी, सो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जब डायरेक्टर में आ जाए अपने एक्टर के लिए तो वहाँ मैजिक होता है, फिर ये मेरे प्यार में पागल है, देखिए क्या है कि जैसे सर ने बताया कि अच्छी बात है ना, नहीं हम वो बातें नहीं करेंगे, वो प्यार में पागल चाहिए आपको, पागल मतलब ये बातें करेंगे और हमें वही चाहिए आज, फिर प्यार में पागल बता दें, ये तुझे इसने ना इतने कॉन्फिडेंस से चेयर खिसकाई कि मैं ऐसे करूंगा चेयर स्लाइड होके जाएगी, मतलब उनका फ्रेम खराब हो रहा है, एक सीन है हम दूध खरीद रहे, दो बड़े बंदे मिलकर दूध खरीद रहे हैं, दो बंदे इसको इंप्रेस करने के लिए दूध खरीद रहे हैं, और एक रात को पिया जाता है ना, समझ रहे हैं तो पुराने नहीं आ रहा, स्वागत से पहले दूध पीजिए, कौन इंप्रेस करे, और एक मतलब मिड 40s का कैरेक्टर, एक अर्ली 30s का कैरेक्टर, और एक मिड 20s की लड़की को कैसे इंप्रेस कर रहे हैं दूध खरीदने के चक्कर में, इंटरेस्टिंग यार, वेरी इंटरेस्टिंग, लैक्टोज फ्री
इंटॉलरेंट। अमन जी आप बताइए, इनके प्यार में आप पागल हैं तो कैसे कैसे प्यार हुआ पहले ये बताओ। मैं बताता हूँ ना, प्यार हुआ मैडम, मैं वही बता रहा हूँ आपको। प्यार इस तरीके से हुआ, जैसे क्या है, जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरी बहन है बड़ी, हम बहुत ऐसी फीलिंग आती थी कि बाल नोच के हम बहुत झगड़ा करते थे कहीं और जा रहे हैं, और इसके साथ मेरा वैसा ही प्यार है। लिटरली फील दैट शी इज सो क्लोज टू मी दैट आई कैन फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स विद हर एंड आवर लव कैन स्टिल स्टे। तो ये तो हमारा ऑफ स्क्रीन प्यार है, ये ऑफ स्क्रीन अच्छा बडीज हैं, बडीज दो यार होते हैं ना। हां, और ऑन स्क्रीन प्यार ऐसा है कि बेइंतहा है, ऐसा बचपन में ऐसा नजर पड़ी और तब तो फंसी नहीं। हां, अब फंसाना है। वो दो दो, दो, दो नैरेटिव्स हैं इसमें, कौन से वाले की बात करें, दोनों ऐसे इंटरनल जोक। तो उसके बाद जवानी में वापस सामने आती है और हमें ऐसा लगता है कि यार दिस इज द टाइम, तुम पहले फिर फुल कमिटमेंट दे दी जाती है ना, आओ देखा ना ताप देखा ना हाँ देखा ना ना देखा ना इज्जत देखी ना बेइज्जती देखी, देविका पाइजे, देविका पाइजे मतलब देविका पाइजे। और फिर जो ऐसा मोहब्बत पैशन से करी गई है, that to an extent is the story. Everything else I would not want to talk about, but that is a very interesting aspect about this character, that he is so committed to her. Yeah. Emotionally, that's very very interesting. And लेकिन मोहब्बत करना अच्छी बात है, उसके पीछे दीवानगी भी होना अच्छी बात है, लेकिन दूध खरीदना मुझे नहीं समझ आया। है ना, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा और आप वेट करेंगे वो दूध वाला सीन कब आएगा। पर सोचिए ना, बाय दूध, देखो हर फिल्म में, हर फिल्म कैफे कॉफी वॉफी या दूध खरीदने का, देखिए अर्थी रोमांस जमीन से जुड़ा हुआ। सीजन 1 हमने देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सच में देखा? हां जी। अच्छा, पूछ लो साथ में, फिल्म में क्या बात है, अभी अरसा हो गया। नहीं, अगर आप सीजन देखे, अगर आप सीजन 1 नहीं भी देखेंगे तो सीजन 2 के थोड़े रीकैप आपको समझ आ जाएगा। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सीजन 2 आपको इतना मतलब इंट्रीग करे कि आप सीजन 1 देखना चाहें। तो अब ये हमेशा 2 में जो है रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, जी उम्मीदें बढ़ जाती है। जी, फर्स्ट बहुत अच्छा है ना सीजन 2, तो आप लोग बताइए कि कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। एक्चुअली मैं एक चीज़ कहूँ, इसका मैं थोड़ा जवाब नहीं, बट इसका थोड़ा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। जब ये सीजन 1 आया था, OTT शुरू ही हुआ था, ये ऑल्ट का शायद पहला या दूसरा शो था, फर्स्ट 5 शोज में से एक, पहले 5 शोज में OTT 2016 में शायद रिलीज हुआ, 17 रिलीज 17 में हुआ, शूट हमने 16 से स्टार्ट किया 2017। 4 साल में बहुत चीज़ें हो चुकी, जैसे ऑल्ट का ये था, मैं अब अमेजोन वाले फ़ोन नहीं करते, लेकिन इनसाइड एज जैसे था वगैरह। तो ये शुरुआत के जो शोज थे, इन्होंने एक बेंचमार्क या आई वुड से एक क्रिएटिव प्रोसेस में एक थोड़ा फ्रीडम भी मिला था। तो तब के अब उसके दौरान 4 साल में बहुत शोज आए हैं, बहुत अलग अलग किस्म के शोज आए हैं, और एक ऑडियंस की आदत भी बन गई है। अब जो एक्चुअली ज़्यादा मुश्किल काम है ऑडियंस को पकड़ के रखना, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस इतनी सारी हैं, फ्लिक करने की आदत हो गई है, लॉकडाउन में ज़्यादा हो गई है ये, अब वो कंजप्शन जैसे SMS और व्हाट्सएप तो आपने 100 भेज दिए पता भी नहीं चला, SMS अभी भी 1-5 भेज दें यार बहुत हो गया। सो अब जिम्मेवारी उतनी ज़्यादा, लेकिन ड्रामा वाइज कहानियाँ जो हैं, किरदार काफ़ी हैं, ट्रैक्स बहुत हैं, और एक एलिमेंट थ्रिलर एलिमेंट भी है, रोमांस एलिमेंट भी है, कॉन्फ्लिक्ट एलिमेंट भी है, बहुत कुछ उतना है। काफ़ी कुछ है शो में। अगर आप कैरेक्टर इंट्रोडक्शंस भी देखें, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है ये शो ऐसा होगा, अनुराग जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ वो, ये शो ऐसा होगा, इनका ऐसा होगा। सो ये अलग अलग नदियाँ हैं, जाके हो सकता है एक सागर में जाके मिल जाए। हाँ जी, बहुत, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, जब सीज़न 1 हमने शुरू किया था, ऑब्वियसली मेरा पहला शो था, जो पेपर पे लिखा मैंने, पढ़ा और मैंने कर दिया। अब एज एन एक्टर भी मैं ग्रो हुई हूँ, तो हर चीज़ के पीछे ना मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, क्यों कर दिया ऐसा, क्या है वो है ये, और मेरी काफ़ी हद तक ना थोड़ी डिस्कशन तो काफ़ी हद तक ना मेरी बहस नहीं डिस्कशन होती रहती थी डायरेक्टर से और क्रिएटिव से शो के, कि
तू अभी भी देविका प्ले कर रही है, देविका बड़ी नहीं हुई है, एज एन एक्टर मैं ग्रो हुई हूँ, पर देविका वही है, कैरेक्टर वही है, कैरेक्टर का माइंड सेट वही है, सो प्ले लाइक दैट. तो वो थोड़ा क्रैक करने में मुझे डिफिकल्टी आई, बट फिर हमने अभी थोड़े डब्स वगैरह और थोड़े एडिट्स वगैरह देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने कहा नहीं यार नॉट बैड यार, मज़ेदार है. सवाल आपको दोहराना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि जवाब दूसरा आया. रिस्पॉन्सिबिलिटी ये याद नहीं रखते कुछ. सवाल है कि जिम्मेदारी आपके ऊपर, ये तो नए नए आए हैं, प्लेटर में सर्व करके मिल गया सब. नहीं नहीं, जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा ली है मैंने सबके साथ, थोड़ा सा मैंने भी कंधा दे दिया. वैसे उस हिसाब से हम बच गए हैं इन पे. सबसे बड़ा कंधा इनका, सबसे बड़ा ये प्रोटैगनिस्ट, ज्यादा जरूरी. ये देखिए उल्टा भी लेटी है, सीधा भी बैठी है, कभी ऐसे कभी ऐसे, इनका माइंड भी ऐसे चल रहा है. ऐसी देखिए वर्ड सेंसरशिप ही नहीं होना चाहिए, सर्टिफिकेशन जो फिल्मों में है, सर्टिफिकेशन एक माइंडसेट है. सर्टिफिकेशन अगर फॉर एग्जांपल 18 प्लस है तो ठीक है 18 प्लस है. टीवी पे अगर 8 बजे कुछ 18 प्लस आ रहा है तो वो प्रोग्रामिंग की गलती हो सकती है. अगर रात को 11 बजे आ रहा है और अगर मेरा बच्चा देख रहा है तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि वो 11 बजे उठ के क्यों देख रहा है. ठीक है, तो ये सेल्फ रेगुलेशन, आप सेल्फ सेंसिटाइजेशन अगर हो. मैं कोई भी सेंसरशिप से तो बिल्कुल ही आई डोंट सपोर्ट इट. सर्टिफिकेशन फिल्मों में है, OTT में मतलब आपका आप ऐसा मीडियम है, वैसे थिएटर भी ऐसा मीडियम है. आप पिक्चर देखना आजकल आसान नहीं है, ठीक है ना. आप पहले ट्रैफिक को नेविगेट करते हैं, 400 रुपये की टिकट खरीदते हैं, 200 का पॉपकॉर्न खरीदते हैं. तो आपका डिसीजन है ये कि मैं जाके देख रहा हूँ पैसे दे के. वहाँ पे भी आप उस पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तो अब ये भी आप ऐप आपने डाउनलोड किया, पैसे आप दे रहे हैं, आप अपनी प्राइवेसी में देख रहे हैं. सो तो फिर लिटरेचर, सिनेमा, ये सब चीज़ें बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है. अगर हर चीज़ से हम थ्रेटन होने लग गए तो फिर और हमारा देश ऐसा है, इतना मल्टीकल्चरल डाइवर्सिटी इतनी है, कोई ना कोई तो ऑफेंड कभी भी हो सकता है. राइट टू ऑफेंड है, लेकिन राइट टू एक्सप्रेस नहीं है क्या? सो डिट्टो, मैंने डिट्टो बोल दिया एकदम, कॉपी पेस्ट. कंट्रोल वी कंट्रोल सी क्या है? कंट्रोल सी मैं सर के पॉइंट पे इलैबोरेट करूंगा, क्योंकि प्रोहिबिशन और सेंसरशिप किसी भी सोसाइटी में जो है वो एक्चुअली ज्यादा रिवोल्ट को जन्म देता है. हम 70s-80s में जब हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं थी तो स्मगलिंग होती थी. हाजी मस्तान वगैरह ने अपना करियर वहीं से बनाया था. बिहार में, गुजरात में जिन स्टेट्स ने प्रोहिबिशन करी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा तस्करी अल्कोहल की बॉर्डर्स में वहीं देखने को मिलती है आपको. तो ये हमारी इंसानी फितरत है, दैट समथिंग दैट वी आर नॉट अलाउड टू गो टू, वी आर वेरी इंक्विजिटिव अबाउट इट एंड वी वांट टू फाइंड आउट. इनफैक्ट हमें इंक्लूसिव होना चाहिए. ये फासिस्ट अप्रोच, कंट्रोलिंग अप्रोच पूरी दुनिया में हो रही है, सरकारों की भी हो रही है और लोगों की भी हो रही है. अगर आप मेरे से सहमति नहीं रखते तो आप गलत हो. तो अगर आप ये कंटेंट देखना चाहते हो जो मेरे मॉरल्स के खिलाफ है तो आप नीच हो. ऐसा नहीं हो सकता यार. आप एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी एक पार्क में जा रहा था, ऐसा छड़ी गोल गोल घुमाते थे. तो पीछे एक आदमी चल रहा था एंड ही सेड सर एक्सक्यूज मी प्लीज डोंट स्विंग योर स्टिक. तो कहता है वेल इट्स अ फ्री कंट्री, इट्स अ फ्री पार्क, इट्स फ्री एयर एंड आई हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस एंड आई विल I can do this to myself.
बैटमैन सेड यस सर बट योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, ये दोनों तरफ लागू होता है कि ऑफेंड करने की भी इजाजत होनी चाहिए और ऑफेंड होने की भी इजाजत होनी चाहिए और उस पे ऑफेंड होने के बाद रकस ना क्रिएट करने की ओपननेस हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। और कहीं भी आप सेंसरशिप लाएंगे, प्रोहिबिशन लाएंगे, आप रोक टोक लाएंगे, नहीं होगा। हम बच्चों को जिस चीज से टोकते हैं, मैं अपने फादर के साथ मैंने अल्कोहल पीना शुरू किया था और मेरे को अल्कोहल का बिल्कुल शौक नहीं है, इसलिए इट्स अ कंप्लीटली सोशल ऑब्लिगेशन दैट आई समटाइम्स हैव अ ड्रिंक और टू विद पीपल। माय फादर वाज इन द आर्मी, ही इंट्रोड्यूस्ड मी एंड क्योंकि मेरे लिए वो कभी भी टैबू नहीं था, वो वन ऑफ द थिंग्स है पानी पीने जैसा या कभी, और मेरा मन ही नहीं करता। पर जहां हम रोकते हैं वहां हमें बड़ी इंटरेस्ट होती है कि ये कैसी चीज, क्यों रोक रहे हैं, ये क्यों रोका जा रहा है। मैं आई पुट माय नेक ऑन द लाइन, भले तांडव आया या जो भी आया, हम शायद किसी ने देखा नहीं, शायद किसी ने सोचा नहीं, शायद किसी को कोई ऑफेंस हुआ नहीं, पर वो जो चार लोग जो अपना ब्राउनी पॉइंट एक पॉलिटिकल सेटअप में कमाना चाहते हैं, जिन्होंने उस पर बवाल उठाया और केस किया, उसकी वजह से सबको पता है और सबने उस नजर से देखा। No politics. I'm being instructed by the PR team. We are very scared of fascism. No, no, world over. इतनी तो बातें कर सकते हैं। चलिए तो 20 Feb streaming हो रहा है। 20 फरवरी को ना? हाँ जी 20 फरवरी। समय इसमें मैं confused रहता हूँ। 19 की रात 12 बजे की 20 सुबह कितने बजे, ये मुझे टीम बता देगी। ऑल्ट बताइए। वो the twist of destiny, the midnight show. 20 की सुबह। तो सुबह सुबह उठ के देख लो। सुबह सुबह उठ के देख लीजिए सबसे पहले वो एक एक्चुअली ये भी एक OTT यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा OTT को टाइम जरूर बताना चाहिए बिकॉज वो जो फर्स्ट डेट है ना फर्स्ट शो फर्स्ट डे फ्राइडे का जैसे फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो OTT अगर प्रोग्रामिंग में वैसा डाले 5 बजे या 6 बजे लॉन्च होने वाला है उतनी ही एक्साइटमेंट रहती है एंटिसिपेशन रहती है। अनुराग देविका पालितोष एक डायलॉग प्लीज वॉच देव डबल डी 20th फरवरी स्ट्रीमिंग ऑन ऑल बालाजी एंड Z5 प्रीमियम एंड Z5 प्रीमियम ठीक है फॉर द लवली लेडी शी इज द वॉइस ऑफ ओके नमस्कार मैं हूं नमस्कार नन एंड देन स्टार्ट ठीक है व्हाट we introduce and then we okay. say that together namaskar main hu aashima vardhan devika dharam druvedi namaskar main hu sanjay suri anurag thakur hi this is romana hi aman uppal main hu paritosh aur aage bataye aage 20th february ko aap dekhenge dev double d season 2 only on alt and z5 please watch it don't miss it hum dekh lijiyega bahut interesting kahani thank you ji thank you so much Thank you, Jude. Why did you post with my bag? Because your bag is not the product. Are you wondering? I'm not.
का